बढ़ता हुआ नजर आया है हिंदुस्तान कॉपर में। एक बड़ी गिरावट हमने पिछले हफ्ते की शुरुआत में इसमें देखी थी, उसके बाद एक नैरो कंसोलिडेशन आते हुए नजर आया, और आज उस बेस बनाने के बाद उसका एक फ्रेश ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आया है। बहुत ही वीक चार्ट स्ट्रक्चर है और डेरिवेटिव डेटा भी काफी ज्यादा वीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर में बिकवाली करके चलना चाहिए। 9150 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा मानना है कि 82 और 80 रुपए जैसे टारगेट्स इस स्टॉक में आज और कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर है मेरी बिकवाली करके चलने की सलाह। देना है अंबुजा सीमेंट पर। अंबुजा सीमेंट में ऐसे तो न्यूज भी है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि टेक्निकल चार्ट अगर देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन है और एकदम तीनों जो मेजर मूविंग एवरेजेस है उसके सपोर्ट के ऊपर ही है, तो यहाँ से बहुत जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 362-63 के आसपास खरीदने का सलाह मैं दे रही हूँ। 357 का 357 का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट होगा 369, दूसरा होगा 374 और तीसरा होगा 375। तो ये तीनों टारगेट्स के लिए अंबुजा सेवन को खरीद कर चलने का सलाह होगा 357 के नीचे स्टॉप लॉस।